संचित प्रागत किया मारे, किसी तरह का कोई दुख नहीं था। लेकिन प्रेमियों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता, इस प्रजातंत्र में किसी को किसी तरह का सुख नहीं है। राम राज्य में किसी तरह किसी का दुख नहीं और यहां किसी को किसी तरह का सुख नहीं। सब लड़ाई झगड़े में, सब मार काट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार में, पर सब चली गई सीधी, जिसके कारण कुदरत ने अकाल मौत दुर्घटनाओं का तोड़ चला दिया। कभी एक्सीडेंट नाम पड़ा था 50 साल पहले, 50 साल पहले कभी एक्सीडेंट का नाम कोई जानता था? कहां से आ गया? तुमने जिसकी टांग काटी, मुर्गे का गला काटा, बकरे का गला काट दिया, मछली को भी इससे काट दिया, अंडा जो भी भ्रूण है केवल जन्म लेकर बाहर नहीं आ पाया, संसार को देख नहीं पाया, ये भ्रूण हत्या है। तुमने उसका बिल्कुल पूरा जीवन पैदा होने के पहले ही नष्ट कर दिया। ये सब सजा ही सजा है और इसका प्रायश्चित बहुत बुरा होगा। अभी आप क्या देख रहे हो? अभी तो छुटपुट घटना, छुटपुट भूकंप की आवाजें तुम्हारे कान तक आ रही, उसी में तुम व्याकुल हो रहे हो। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस भूकंप की बात कही है, कहा था बच्चा बहुत बड़ा तूफान एक दिन कई है जगमा फेरी, 200-200 मील तक इमारत तोड़े लगे न देरी, मरी है मांस खो रही भेड़िया, तब बचा बचिए ना, बाबा जय गुरुदेव की बाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, तब आपको दिखाई देगी, अभी तो सुनाई जा रही है, अगर नहीं माने तो ये सब तुमको अपने आंखों से देखना भी पड़ेगा, सब तुम्हारे सामने नजरअंदाज आके खड़ा हो जाएगा। अरे अब तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनाने की जल्दी नहीं है, हमें बताने की, याद कराने की जल्दी जरूर है, ताकि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ये न कह सके कि हमको धर्म और कर्म, मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार की बात किसी ने बताई नहीं थी। और मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की पहचान की बात किसी ने कही नहीं थी। ये सब आपके सामने खोल के रखा गया और उसके बदले आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, कुछ नहीं चाहिए हमें, आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपको देने आए हैं, लेने नहीं आए, हम भिखारी बन के नहीं आए। देखो, जिसको आत्मा जगाने की युक्ति मिल जाती, जो आत्मा जगा लेता है, उस महात्मा के कर्मों पर हिंदुस्तान के सारे विश्व के लोग सारी दौलत को उसके चरणों पर न्यौछावर कर देते हैं। जब परमात्मा मिलने की युक्ति मिल गई, ये भीख मांगना महात्माओं का काम, महात्मा भीख मांगता है, सबको दुआ देता है, दया देता है, बरकत देता है हर तरफ से, और तुमने भिखारियों को महात्मा कह दिया, भिखारी को साधु कह दिया। प्रेमी साधु अलग है, महात्मा अलग है, गुरु अलग है, संत अलग है, सतगुरु अलग है, परम संत अलग है, ये सब चीजें अलग अलग एक चीज नहीं है। साधु कहते हैं जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ लिया हो, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते हैं। साधु कोई जात बिरादरी, साधु कोई दाढ़ी बाल, कोई काला पीला लाल कपड़े का नाम नहीं, तुमने इसे समझा नहीं था। महात्मा जिसकी आत्मा महान, शरीर से जात से नहीं, वो तो सत्य महात्मा, जिसकी आत्मा महान माने लंबी चौड़ी नहीं, जिसकी आत्मा के अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का, कोई भेदभाव ना हो, किसी तरह का कोई छोटे बड़े का विचार ना हो, और यहां तक न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख ईसाई का, न ब्राह्मण क्षत्रिय मह सर्जन का, न मतलब स्त्री पुरुष तक का, जिसने भेद खत्म कर दिया हो, ऐसी विशुद्ध आत्मा को महात्मा कहते। लेकिन तुमने ये कुछ नहीं जाना माना और तुमको भेष बना के लोगों ने ठग दिया,
धोखा भी दे दिया और सत्य नाम को बदनाम भी कर दिया। लेकिन प्रेमियों तुम्हें मालूम है ये मर्यादित देश ऋषि मुनियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, रामकृष्ण की कर्म भूमि धर्म भूमि है, इस पर कोई अनैतिक कार्य लंबे समय तक नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारा इतिहास बताता है जब इंसान में इंसानियत चली जाती है, प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म हो जाता है, दया सेवा रहम यह भी चली जाती है, फर्क पहचान माँ बहन बेटी बहू की खत्म हो जाती है, तब इतिहास त्रेता का भी बता रहा है कि वो परमपिता परमात्मा किसी न किसी शक्ति को समय से भेज करके मानवता इंसानियत का पाठ जरूर पढ़ा देती है। क्या लिखा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि अपार है आंसू रे अधम अभिमानी कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और सदा इस जन की पीरा। इतिहास क्या जानकारी दे रहा है मनुष्य शरीर में, ये नहीं कहा हिंदुओं में आएगा मुसलमानों में आएगा किसी जात पात को लेके आएगा छोटे बड़े बन के, ऐसा नहीं कहा, मनुष्य शरीर में आएगा और क्या करेगा सबको मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा चार नीतियों के द्वारा, साम दाम भेद और दंड। पहले साम माने समझाएगा ये बुरा है ये पाप है, ये करोगे ये सजा, ये करोगे ये अपराध में ये सजा मिलेगी, ये बीमारी आ जाएगी, ऐसी गरीबी आ जाएगी, तुम्हारा घाट कट जाएगा पैर कट जाएगा, लिहाजा जीवों पर दया करो हिंसा मत करो। पहले तो आपको समझाया जाएगा साम नीति, फिर दाम नीति यानी लालच, अगर तुम सच्चे अच्छे रास्ते पर आ जाओ तुमको राज मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, पद पत्री बाल बच्चे अच्छे मिल जाएंगे, नौकरी अच्छी हो जाएगी, बरकत मिल जाएगी। अगर इस पर भी नहीं माने तो तीसरा है भेद नीति, बताया जाएगा कि रावण नहीं मारा नहीं मारा उसकी यह दुर्दशा हुई, हिरण्यकश्यप नहीं मारा उसकी यह दुर्दशा हुई, कंस नहीं मारा उसकी यह दुर्दशा हुई, जरासंध नहीं मारा उसकी यह बुरी दशा हुई, ये भेद नीति। इस पर भी अगर आप नहीं माने तो अंततो गत्वा दंड नीति, जिसको राम रावण संग्राम कह लीजिए या महाभारत कह लीजिए, ये दंड नीति बात में प्रयोग होती। 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको जगा रहे, चिता रहे, समझा रहे, होश में ले आ रहे, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान करा रहे, माँ बहन बेटी बहू की पहचान करा रहे, सेवा के द्वारा पाप कर्मों में माफी दिला रहे, नाम दान देकर सुमरण ध्यान भजन करा के इस जीवात्मा को अपने घर जाने का अभ्यास करा रहे, ऐसा काम इस मृत्युलोक मंडल पर किसी ने नहीं किया। यह सृष्टि के महापुरुष प्रथम महापुरुष है जिन्होंने अनोखा काम, अनोखा नाम, अनोखी युक्ति, अनोखा परिवर्तन, अनोखी लीला आपके सामने करके दिखा रहे हैं। तुम्हें यह सब समझना चाहिए, अगर समझ लेते तो तुम्हारा भी काम बन जाता। जब द्वापर में नहीं माने वहां भी गीता क्या कह रही है, ऐसा नहीं हर युग में आपको शिक्षा दी गई, समझाओ सुझाओ सब आपको दिया गया, गीता क्या कह रही है कि यदा यदा ही धर्मस इंग्रा निर्भाति भारत कि अभ्युत्थानम धर्मस इतरात्मा सजा में हो। कितना साफ साफ लिखा है जब जब धर्म की हानि होगी, प्रेमियों ये कहीं नहीं लिखा कि कर्म की हानि होगी, इसका मतलब धर्म अलग है कर्म अलग है। किसी धार्मिक व्यक्ति से पूछिए आप
तो वो धर्म की परिभाषा खुद नहीं जानता। जब काका हो गए धर्म क्या है तो आपको यही बताएगा, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन करो, जब तब यह गंगा स्नान करो। अरे करो का मतलब कर्म और धरो का मतलब धर्म, जो धारण किया जाए, अपने पर लागू किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, अपनी रहनी गहनी उसी तरह बनाई जाए, प्रेमी इसको कहते हैं धर्म। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था माने धर्म। जब व्यवस्था अच्छे कर्मों से पनपती है और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है, जब बुरे कर्म, बुरा खान पान, बुरी संग सोबत, बुरे विचार, देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना कराना सब तुम्हारा खराब बुरा हो गया, तब तो आपके सामने समझने की आवाज लगाई गई। और गीता इतना कह के शांत नहीं हुई है, गीता ने और भी कुछ कहा है जिसको शायद आप लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया है। गीता ने क्या कहा है कि जब इंसान त्रेता में भगवान राम के दंड विधान को भूल जाएगा, द्वापर में भगवान कृष्ण के दंड विधान महाभारत को, खून खराबों को भूल जाएगा और सब बुरे कर्मों में चली जाएंगे, गंदे खान पान में फंस जाएंगे, गंदी संसोवत में चले जाएंगे, जिसके कारण मार काट, हिंसा, चोरी, कतरेआम, व्यभिचार, कुपचार में सब फंस जाएंगे और कुदरत अपना दंड दुर्घटना अकाल मौत के रूप में सबको देना शुरू कर देगी। गीता क्या कह रही, उस समय इंसान को सतपथ के रास्ते पर लाके कौन खड़ा करेगा, मानवता इंसानियत का पाठ कौन पढ़ाने आएगा। तो क्या लिखा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संतापवान संभवामि युगे युगे। प्रेमियो परित्राणाय का मतलब समझते हो, परित्राणाय मतलब मार काट, हिंसा, चोरी, कतरेआम, व्यभिचार, कुपचार, बीमारी, महामारी, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, इसको कहते परित्राणाय। इसको इससे निकालने के लिए, सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने के लिए कौन आएगा, कहते साधु संत महात्मा फकीर आएंगे, वो तुम्हें सच्चाई के रास्ते का ज्ञान कराएंगे और सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेंगे। युगे युगे कहते हर युग में उनके द्वारा धर्म, मानवता, इंसानियत संभव हो सकेगी, न्याय मिलना और सुरक्षा ये भी संभव हो सकेगा। देखो यह सब पिछले इतिहास में लिखा रखा, अगर तुम उस पिछले इतिहास को जान लेते और वर्तमान में सद्गुरु दयाल के बचनों को मान लेते तो हमारा आपका भविष्य अंधकार में नहीं खड़ा होता, सब लोग सच्चाई ईमानदारी में बन जाते। लेकिन ना आपने पिछले को जाना ना वर्तमान में इनकी माना, इसे हमारा आपका भविष्य अंधकार में खड़ा है, इसे प्रकाश में कौन ले आएगा। किसी में क्षमता ताकत है, विचार कीजिए आप, और आजादी का ये 60 वर्ष गुजर गया, सबने वादे किए अच्छाई, सच्चाई, न्याय के, सुरक्षा के, रोजी रोटी देने के, महंगाई गरीबी दूर करने के, टैक्सों को हटाने के, लेकिन सब उल्टा ही हो रहा, एक भी वादा तुम्हारे सामने खुल के नहीं आया। जबकि तुमको लिखे रामचरितमानस क्या बताती है कि प्रेमियों राजनीति किसकी है, राजनीति इन धर्म नीति, धर्म देश में जिसके पास धर्म नीति होगी सच्ची राजनीति को वही चला पाएगा। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि राजनीति बिन धन धर्म और प्रभु समार पे बिन सत कर्म। राजनीति बिना धार्मिक लोगों के, सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, बिना ऐसे लोगों को के
यह राजनीति नहीं चलाई जा सकती। और बिना धार्मिक धन के गाड़ी ईमानदारी की कमाई की दोनों चीजें और दोनों चीजें नहीं है। यह जबरदस्ती टैक्स और महंगाई लगा के जबरदस्ती वसूल कर यह जनता का खून बीजेपीओं ये जहां लगा दिया जाएगा वही व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए जहां जहां राष्ट्रीय कोष का धन लग रहा है देख रहे हो हिंदुस्तान में तुम्हें इसीलिए घुमाया जा रहा। देख लो जहां जहां राष्ट्रीय कोष का धन लगा है कहीं फलीभूत हो रहा है, सड़कें कहीं ठीक है, बिजली कहीं आ रही है, रोजगार कहीं चल रहे हैं, मिल फैक्ट्री चल रहे कि बंद हो रहे हैं, ये सब तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। नौजवान को नौकरी मिल रही है जब ये 70-70, 80-80, 90-90 साल के जब कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो इन नौजवानों को नौकरी कैसे मिल सकेगी। प्रेमियों जबकि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र का कानून है कि 7 साल में कर्मचारी अधिकारी को कान पकड़ के रिटायर कर दिया जाता है। कहते हैं तुमको काम करने का अधिकार नहीं रहा, तुम्हारी बुद्धि अब विकासशील कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर दिया जाता जो एक छोटे से विभाग को देख रहा है। कहते हैं तुम छोटा सा विभाग अब नहीं संभाल सकते हो, तुम्हारी बुद्धि अब विकासशील कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर दिया जाता है। और देश का इतना बड़ा विभाग इसको संभालने के लिए 70-70, 80-80, 90-90 साल के बुढ़े को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजभवन बनाया जाता है। क्या यह प्रजातंत्र का कानून है? क्या प्रजातंत्र में कानून है? अरे जब बुद्धि का पैमाना तुमने निश्चित कर दिया है कि 60 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती है, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री राज्यपाल हो, कानून बुद्धि का पैमाना सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए, तब यह सच्चा प्रजातंत्र माना जाएगा। यह सब आपको विचार करना होगा। लेकिन यह दोहरी नीच कहती है, यह दोहरा कानून कैसा है? अरे कर्मचारियों तुमको विचार करना होगा। 60 साल जब इस कर्मचारी अधिकारी काम कर लेता है एकदम दक्ष हो जाता, पारंगत हो जाता, स्पेशलिस्ट हो जाता है, उसको फिर काम सोचने और समझने सीखने की जरूरत नहीं, वो सिखा सिखाया हो जाता है। सारा अनुभव मिल जाने के बाद 60 साल में उसको अयोग्य ठहरा के निकाल दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता। लेकिन देश का न्याय करने, देश पर शासन करने वाला 70-80-90 साल के बूढ़ा ये विकासशील कार्य कर सकता है? इसकी बुद्धि का पैमाना अलग है। क्या इसकी बुद्धि विकासशील कार्य कर सकती? अगर कर सकती थी तो 60 साल में किसी भी विभाग का विकास नहीं हुआ है, बल्कि हर चीज का विनाश हुआ है। प्रेमियों सच्चाई ईमानदारी का विनाश हो गया, जो मानव इंसानों का सबसे बड़ा गहना था। हमारी आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारा चरित्र, हमारा सच्चाई ईमानदारी करने का काम, यह सबसे बड़ा गहना आभूषण है इंसान का। लेकिन सब खत्म हो गया, इस प्रजातंत्र में अंधा कानून बन गया, कोई किसी को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। न रोकर आंसू बहाकर आप अपने दुख को कहीं नहीं कह सकते हो, आंसू बहा के कहीं न्याय नहीं पा सकते हो। क्या यह धार्मिक देश कहलाने का अधिकार ही रहा? क्या भगवान राम कृष्ण की राजनीति कहनी मतलब उसका प्रभुत्व रहा है, उसकी महिमा रही है, उस पर कलंक नहीं लगा, उनकी छवि धूमिल नहीं की गई? आप विचार करिए, मैं तो अभी केवल इशारा कर रहा हूं, समय आएगा सब कुछ कहूंगा। इसलिए मैं आपसे परमिशन, आपसे परामर्श, आपकी सलाह, प्रशासन का पूरा सम्मान, पूरी मर्यादा का ध्यान, आचार संहिता का पूरा
सम्मान करता हूं, हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है। सब इसके अगर खिलाफ कार्य करते हैं और उन्हीं से हमको परमिशन मांगना पड़ता अच्छे काम के लिए। ठीक है, कलयुग है तो कलयुग फिर कैसे कहा जाएगा? अगर अच्छे सच्चे काम होने लगेंगे, अच्छे सच्चे कामों में लोग सहयोग करने लगेंगे, अच्छाई का समय आ जाएगा। ये तो इतिहास अच्छा समय का है, लेकिन आज तो बहुत बुरा समय है, जिसके लिए भगवान राम ने क्या कहा था कि सुनो सभी कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के इन नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। भगवान राम ने क्या कहा? गोस्वामी जी महाराज ने लिख के क्या बताया? आगे ऐसा भीषण कलयुग आएगा, सच्चे ईमानदार मुश्किल से जी पाएंगे, न्याय बहुत दूर चला जाएगा, अन्याय सड़कों पर हंसता नजर आएगा, बेईमानी हंसती नजर आएगी, ईमानदारी रोती नजर आएगी। प्रेमियों, आज इसीलिए भगवान पर कलंक लग गया, भगवान पर टीका टिप्पणी करने लगे लोग, क्योंकि भगवान राम ने खुद अपने मुख से कहा था कि सब मेरे इस मम पूजाए और तीन में आदि के मनुज भाए। ये भगवान राम का वक्त क्या कहा? ये सारी सृष्टि जो तुम आंखों से देख रहे हो,